हाई एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का बॉटनी का जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे और ये है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर ठीक है हिमाचल प्रदेश है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर है सो लेट्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन सीड ऑफ द स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल हेल्प इन तो माइक्रोपाइल जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है आपकी वाटर एब्जॉर्बेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ठीक है जब जर्मिनेट करता है सीड उस टाइम पे जो है वो वाटर एबजॉर्बेशन में जो है वो हेल्प करता है माइक्रोपाइल ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग

यानी कि angiosperm में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ठीक है का जो female reproductive, uh, female reproductive जो organ है 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 या ठीक वो किसके होता आपका मैगस इन जिम्नोस्पर्म सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ने क्वेश्चन नंबर फोर ओब्यूल इज लार्जेस्ट इन तो साइकस में सबसे बड़ा होता है इसमें तो बताने वाली कुछ बात है नहीं काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ये

ठीक है तो कुछ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि पेरिस्पर्म क्या है एक लेयर है न्यूट्रिटिव टिश्यूज की ठीक है लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू और ये जो है वो किससे फॉर्म होते हैं आपके सेलस से पेरिस्पर्म इज ए लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू पैरिसम फ्रॉम द न्यू सेलस या ड्राइव फ्रॉम द न्यू सेलस ठीक है एंड दैट सराउंड द एम्ब्रियो ओके एम्ब्रियो ऑफ द सीड ये जो पेरिस्पर्म होता है वो किसको सराउंड करता है आपका एम्ब्रियो ऑफ द सीड एंड uh, है कि ये बेसिकली दिस इज द डिप्लॉयड फूड स्टोरेज टिश्यू एंड इससे जो है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसको तो राइट right आंसर आपका डी हो गया Paris से ही जो है है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता जिसको मैं आपको अभी बता देती हूँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि किस में जो है वो परसिस्टेंट जो है वो पेरिसम जो है वो रहता है ठीक है पेरिसपर्म जो है वो किस में रहता है आपका इसके एग्जाम्पल के ऑप्शन आपको दिए होते हैं तो इसके क्या क्या आपके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर काफी कॉमन सा एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर हो गया आपका कॉफी हो गई आपकी कैस्टर सीड्स हो गए एंड वन मोर दैट इज़ कार्डिम ठीक है इलायची तो इन सभी में जो है वो आपका पेरिस्पम जो है वो परसिस्ट रहता है परसिस्टेंट पैरिस्पम ठीक है so सो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें इनसे जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर सेवन इन ए टिपिकल एंजिसमिक एंथरवॉल अब देखिए जो एंथर बॉल होती है उसमें क्या होती है फोर टाइप की बॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं ठीक है फोर बॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं कौन कौन सी सबसे जो आउटर होती है दैट इज वाली होती है दैट इज अंदर वाली होती है दैट इज दिडल लेयर एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द ठीक है तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि एंथर की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है टेपिटम, उसके बाद देख आप यहां पे तो क्या टैपिटम जो है वो बिल्कुल एंडोथीशियम के इनर नहीं एंडोथीशियम के बाद कौन सी लेयर है मिडल लेयर ठीक है यहाँ पर आपका जो है वो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी मिडल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपिटम ठीक है आपके जो मिडल लेयर है वो किसके और किसके बीच में है टैपिटम और एंडोथीशियम के बीच में बेसिकली आपको जो है वो लेयर्स के नाम पता होना चाहिए सबसे आउटर वाली एपिडर्मिस देन एंडोथीशियम देन मिडल लेयर देन टैपिटम तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो ईजिली यहाँ से आंसर कर सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर एट हुज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फिनर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अगेन काफी कॉमन एंड सिंपल सा क्वेश्चन है सो ऑप्शन सी नवा शीन इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन

अब जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कब बनता है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन सो दैट इज फोर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन ठीक है ये जो एंडोस्पम है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो बनता है दैट मीन दिस इज ए प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हैप्लॉइड एंड प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन एल्पाइन रीजन रेड स्नो इज कॉज बाई विच ऑफ जो है वो और क्या-क्या बोलते बोलते हैं? हैं भी इसको ठीक है वॉटरमेलन स्नो भी बोलते हैं पिंक स्नो भी बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड स्नो ठीक है, है ये कौन जो है वो इसको कॉज करता है इसको कॉज करता है आपका क्लेमाइडोमोनास ठीक right है क्ले माइडोमोनास ने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेसिकली जो क्ले है दैट इज ए स्पीसीज ऑफ ग्रीन एलगी ओके दैट इज ए स्पीसीज ऑफ ग्रीन एलगी बट दिस कंटेन ए रेड पिगमेंट रेड कैरिटीनोइड पिगमेंट ठीक है रेड कैरिटीनोइड पिगमेंट दिस कंटेन ए रेड कैरिटीनोइड पिगमेंट और वो पिगमेंट का नाम क्या है एस्टाजैंथिन क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है ठीक है नेम ऑफ़ पिगमेंट दैट दी व्हाट रेड स्नो ठीक है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑल द मेंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ एलगी पिगमेंट अब देखिए एल्गी के जितने भी डिविजन के मेंबर है उसमें आप कौन से पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो सभी में होती है, जो है वो सभी सभी में 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 होती 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 है होती है 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 ठीक ठीक बी बी जो नहीं क्लोरोफिल ए एंड आपकी ठीके? तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया ये भी कट हो गया ठीक है और फाइकोबिलिन भी जो है वो सभी में नहीं प्रेजेंट होती है तो क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन पिगमेंट जो है वो सभी में प्रेजेंट होती है ऑप्शन ए द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पीरिनॉइड आर स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ पीरिनोइड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है या इस ये जो है वो कैसी है तो पीरिनोइड बेसिकली इज ए सेंट्रल प्रोटीन पीरिनोइड में क्या होता है दैट इज ए सेंट्रल प्रोटीन कॉल्ड पायरेनो ठीक है इट कंटेन ए सेंट्रल प्रोटीन दैट कॉल्ड पायरेनो एंड दिस सराउंडिंग इज दी स्टार्च शीथ एंड ये जो प्रोटीन है इसकी सराउंडिंग जो है वो क्या होती है स्टार्च शीथ ठीक है तो बेसिकली प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन ऑप्शन डी ठीक है पाइरेनो मीन सेंट्रल प्रोटीन आ, होती है जिसको पाइरेनो बोलते हैं और वो किससे सराउंडेड होती है आपकी स्टार्च ग्रेन से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी आई स्पॉट और स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन आई स्पोर्ट और स्टिग्मा जो है वो बेसिकली एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनली है ओके आई स्पोर्ट और ये क्या है आपका एक फोटो रिसेप्टिव फोटो रिसेप्टिव मीन जो लाइट को क्या करता है कैप्चर करता है ठीक है फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनली फाउंड इन दी मोटाइल सेल ऑफ ग्रीन एलगी ओके ग्रीन एलगी में तो किस में होता है ये बेसिकली इन द्लेमाइडोमोनास नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्सिंग एलगी बिलोंग्स टू दी क्लास अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है किससे आपके बिलोंग करते हैं साइनोफाइसी से सो ऑप्शन बी इज द टर्मैंड्रम इज केस ऑफ इडोगियम इज यूज फॉर किस चीज के लिए जो है वो यूज की जाती है आपकी टर्म ड मेल के लिए ठीक है ऑप्शन ए

सिंपल तो, सा इसका आंसर है स्टिग्मा स्टाइल ओबरी एंड माइक्रोपाइल ऑप्शन ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 19। फिलीफॉर्म एपरेटस इज लोकेटेड इन तो आपका जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है ओके सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट इज दी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इन विच मेल गैमीट आर

देखिए कि क्या बोल रहा है कि जैसे ही जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो, आ, है वो कंटिन्यू होती काफी सालों के लिए जब जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती जाती, होती जाती है तब क्या होता है कि जो थिकनेस होती है ठीक है जो पेड़ होता है वो थिकनेस में इंक्रीज करता है सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन सेकेंडरी बेस्कुलर टिश्यू सो so दिस इस इंक्रीज की वजह से क्या होता है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग जो आउटर टिश्यूज होते हैं उनकी क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग का जो खतरा जो होता है वो ज्यादा हो जाता है कि वो जल्द ब्रेक हो सकते हैं क्रैक हो सकते हैं क्योंकि जो पेड़ है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है इंक्रीज कर रहा है सो so, इस क्रैकिंग और ब्रेकिंग से बचाने के लिए ठीक है एक्सटर्नल टिश्यूज को इस चीज से बचाने के लिए जो है वो क्या होता है प्लांट एक न्यू कैम्बियम रिंग जो है वो डेवेल्प कर लेता है क्या करता है प्लांट जो है वो एक न्यू कैम्बियम रिंग जो है वो डेवलप कर लेता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम ठीक है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन जो है वो इसमें से कवर होते हैं हर एग्जाम में आता ही आता है ये ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम और दूसरा इसका नाम क्या है फेलोजन कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन

ये भी आप जरूर याद रखें कॉर्क को क्या बोलते हैं फैलम क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपसे जो है वो पूछा जाता है ठीक है कॉर्क को हम और क्या बोलते हैं फैलम और इनर साइड को जो है वो सेकेंडरी कॉटेक्स जो है वो देता है तो सेकेंडरी कॉटेक्स को, को और क्या बोलते हैं फैलोडरम ठीक है सेकेंडरी कॉटेक्स को फैलोडरम कॉर्क को फैलम और जो आपका कॉर्क कैम्बियम है उसको फैलोजन बोलते हैं ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन डी फैलोजन और इन तीनों को मिलाकर आपका जो ये फेलोजन ठीक है फेलोजन, फेलोडर्म एंड फैलम इन तीनों को मिलाकर जो हम क्या बोलते हैं इसको पैरिडर तो इसमें से ये आपके तीन या चार क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं इसमें से और हर एग्जाम आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को होगा वहां पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द फुल्ली फोर्म्ड मेल डेमिटो इन एंजियोस्पर्म्स कंटेन अब जो 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 है 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 का उसमें उसमें वो वो क्या चीजें होती देखिए होता है, उसमें जो है, होता टूब है, सेल भी बोलते हैं ठीक है जो वेजिटेटिव सेल होता है उसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं तो अब ये जो जेनरेटिव सेल होता है इसमें से जो है वो दो मेल न्यूक्लियाई दो

स्पोरेंजियम बियरिंग लीव आर कॉल जिन लीव पे जो है वो स्परेंजिय लगते हैं स्पोरेंजियम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्पोरोफिल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हिट्रोस्पोरी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ हिट्रोस्पोरी अब देखिये हिट्रोस्पोरी क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर ऑफ टू डिफरेंट साइजेज ओके टू डिफरेंट साइजेज तो टू डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे कौन से है लार्ज एंड स्मॉल स्पोर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर पोर्सन ऑफ प्रोथल विदाउट सेक्शुअल फ्यूजन इज कॉल्ड एज दी इस चीज को जो है वो हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एपोगेमी ओके फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्सन ऑफ प्रोथेलस विदाउट सेक्शुअल फ्यूजन उसको हम क्या बोल रहे हैं एपोगेमी बोल रहे हैं The the next question is the, is zone present in इज sporophyte of to जोन इज प्रेजेंट इन दिस present होती है आपकी एंथो सिरोस में ठीक है आपकी बेसिकली ये हॉर्न में जो है वो प्रेजेंट होती है तो कौन सा आपका जो है वो हॉर्न है यहाँ पर एंथो ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ने क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फोर spores

store water and nutrients water and nutrients को स्टोर करते हैं और ग्रीन सेल्स तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो ये टू टाइप के सेल आपके किसमें प्रेजेंट होती हैं स्फेगनम में ऑप्शन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अ कप लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच फुट ऑफ स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड इन सम मॉसेस इज नोन एज तो इस चीज को जो है वो हम क्या बोलते हैं वैगिनुला ऑप्शन बी

ट्रू इलेटर्स आपके जो हैं वो किसमेंट होते हैं ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जो इलेटर्स होते हैं वो फंक्शन है आपका किसका मार्केशिया का पोरेला का, का और पेलिया का ठीक है इन तीनों का जो है वो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो ट्रू इलेटर्स आपके जो है वो किसमें एबसेंट होंगे एंथोसिरोस में सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर

अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है द नेक्स्ट इज दी इन लाइफ साइकिल ऑफ ए फंगस परफेक्ट स्टेज तो फंगस का जो लाइफ साइकिल उसमें परफेक्ट स्टेज किसको बोलते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज होगी ऑप्शन सी द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस उसको हम क्या बोलते हैं क्लिस्टोडिशियम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर

ठीक है फंगस जो है वो इसको कॉज करती है दैट इज दोडोस्फेरा पोडो ये फंगस जो है वो इसको uh, कॉज करती है ठीक है और ये कौन से ऑर्डर ऑर्डर से जो है वो ये बिलोंग करती है दैट इज दी ऑप्शन सी फेल्स द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फोर्टी सिक्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है इसमें से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है आपका ठीक है तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जो प्रेजेंट होता है ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर एंड दिस इज द टोबैको मोजाइक वायरस इज द फर्स्ट वायरस स्टडीड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो फर्स्ट वायरस uh, जो स्टडी किया गया था दैट इज द टोबैको मोजाइक वायरस

Hershey and Chase. The next question is the question number forty nine. Smooth endoplasmic reticulum is the site of lipid synthesis. Ki again काफी straightforward question and C R से सीधे लिए गए हैं ये. The next question is the question number fifty. Which of the following structure is associated with the Golgi complex? Cisternae. Option B. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इन सेल इज सेमी सेमी कौन कौन सा है आपका क्लोरोप्लास्ट सा होता है जिनके पास अदयर ऑन डी एन ए अपना होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉन्ट्री दोनों में ही जो है वो क्या होता है अपना डीएनए होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द टोटल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड लीथल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं जेनेटिक लोड

एडेनिन आपका जो है वो यहाँ पे ट्वेंटी है तो थाईमिन भी आपका क्या होगा ट्वेंटी होगा तो फोर्टी वाला ये भी चलेगी थर्टी वाला भी चलेगी ठीक है अब ये ट्वेंटी है और एडेनिन है एडन भी ट्वेंटी है ट्वेंटी ट्वेंटी कितना हो गया आपका फोर्टी परसेंट बचा कितना सिक्सटी परसेंट दैट मीनस थर्टी आपका ग्वाइनिन होगा थर्टी ही आपका साइटोसिन होगा ठीक है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए में जो है वो किसकी वजह से होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ऑप्शन डी

ठीक है इसमें क्या होता है जो फीमेल होती है वो क्या होगा एक ही होगा जो सराउंड सराउंडिटी ऑफ मेल हो गए किसमें होती है में होती है साइमोस में. में होती है, है रेसीम टाइप में तो आपकी इनडेफिनेट जो है वो ग्रोथ होती है ठीक है ऑप्शन सी अब कौन सा प्लांट जो तो ऑप्शन बी सर्पगंधा इज द राइट आंसर ठीक है इसको जो है वो इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं इसमें से एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका ठीक है और उसमें आपको पूछा गया था कि जो हाइपर टेंशन है उसको यहाँ पे उसको साइंटिफिक नेम दिया गया था दैट इज दी रोबोल्फिया रुबॉल्फिया ठीक है रुबॉल्फिया सरपेंटिना तो ये इसका साइंटिफिक नेम है सर्पगंधा का और क्वेश्चन इसमें से एक ही ये भी बनता है कि जो रिफोलफिया है इसकी रूट्स से, से जो है वो ये ड्रग जो है वो मिलती है दैट नेम एज सर्पगंधा ओके कहा से होती है ये रूट से जो ये भी क्वेश्चन आता है आपका और किस किस की ट्रीटमेंट में यूज होती है एक तो आपका ये हो गया हाइपर यानी कि हाई पी दूसरा जो है वो ये यूज होती है आपकी इन में ठीक है इन सोमनिया को ट्रीट करने के लिए थर्ड जो है वो ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज होती है फोर्थ एक्यूट स्टमक उसको भी पेनफुल डिलीवरी के लिए या मेंटल जो है वो इलनेस उसको भी ठीक करने के लिए जो है वो यूज होती है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरी एंड कॉन्स्टिपेशन डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो कौन सा प्लांट यहाँ पे यूज होता है दैट इज द है और उसको हम क्या बोलते हैं इस बगोल भी बोलते हैं जिसको हम ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लांटेगो को इस बगोल इस बगोल द नेक्स्ट इज दी मैनीला हैम्प इज ऑप्टेन फ्रॉम मैनीला हैम्प जो है वो आपकी कहाँ से ऑप्टेंड होती है मूसा टेक्सटाइल से ठीक है

तो आपका काइनेटिन कि साइटो साइटोकाइनिन जो है 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 वो आ, को डिले करता ठीक जिसको हम और क्या बोलते हैं रिचमेंट लैंग इफेक्ट भी उसको जो है वो इसको बोलते हैं ठीक है कौन करता है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वेश पोटेंशियल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड सेल टू डिप इन टू कम्प्लीट

कौन थे काफी टाइम क्वेश्चन आता है ये श्री एन मेहता द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बिच पास सेपरेट छोटा बंगाल फ्रॉम बड़ा बंगाल बड़ा बंगाल तो छोटा बंगाल को बड़ा बंगाल से जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है दैट इज दी नोहरू पास जो कि इसको जो है वो क्या करता है सेपरेट uh, करता है ठीक है नोहरू पास जो है वो इसको सेपरेट uh, करता है सो so, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है आपके ये क्वेश्चन ठीक है और बाकी के ये जो छाबिया पास है ठीक है पास आपका लाहौल और भरमौर ला के बीच में है ये और कुंजुम पास काफी टाइम ये कुंजुम पास वाला क्वेश्चन तो काफी टाइम आता है ये लाहौल और स्पीति के बीच में है ठीक है लाहौल को स्पीति से सेपरेट करता है दुलची पास आपका मंडी और कुल्लू के बीच में है एंड इज दंग में बिच टोन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन ब्रॉड अंडर अमृत स्कीम अमृत स्कीम जो है वो क्या है दैट इज दटल मिशन अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम और इसके अंडर जो है वो कौन कौन से आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं ब्रॉड अंडर तो इसमें जो है वो आपके शिमला एंड कुल्लू जो है इसके अंडर हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एटी फाइव वेन वाज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर ओपन डिफिकेशन फ्री ठीक है खुले में शौच मुक्त कब जो है वो किया गया था ये ट्वेंटी एट अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन को द नेक्स्ट इज दी

द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द दर्स्ट एबर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश एट कब जो है वो लॉन्च किया गया था कुनिहार इन सोलन डिस्ट्रिक्ट में द नेक्स्ट इज दी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गोस्ट फर्स्ट प्राइज इन सॉइल हेल्थ कार्ड एट कंट्री लेवल लास्ट ईयर तो ये जो मिला था हमीरपुर को मिला था ठीक है ऑप्शन ए अब आपके टेन क्वेश्चन इंडियन जीके के रहेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दी हु इज दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज दी ए जी तो ये आपका टू थाउजेंड एटीन का पेपर है तो उस टाइम जो थे रा, राजीव महर्षि और अभी के जो हैं इज़ uh, चंद्र मुर्मू ठीक है अभी के जो हैं वो कौन से हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर रिवर शिप्रा इज इन विच स्टेट एंड विच

the next is the first Asian Games bar or organized where and on which date so ये organized की गई थी India में New Delhi में 4th March 1951 को the next is the the currency of Pakistan Pakistan की currency क्या है रुपीस the next उदय शंकर is associated with उदय शंकर जो हैं वो dancer थे option A क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन प्रोजेक्ट एडवाइजर फॉर फर्स्ट बुलेट ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद टू बॉम्बे तो इसके जो एडवाइजर थे वो थे संजीव सिन्हा ओके संजीव सिन्हा तो यहाँ पे गलती सिन्हा संजय सिन्हा लिख दिया है तो so, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो ठीक नहीं होगा द नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन इज दी फाइंड ऑड टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज इसमें से और टर्म बतानी है आपने सो so और टर्म आपकी कौन सी है फोर्टीन बिकॉज ये क्या ईवन नंबर है बाकी सारे आपके और नंबर हैं ठीक है ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग